हाय फ्रेंड्स, ये समरी चैप्टर नंबर 3 की है, द कैंटरविले घोस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली रात के इंसिडेंट के बाद ओटिस फैमिली ने सुबह उठ के थोड़ी बहुत बात भूतों के बारे में करी और मिस्टर ओटिस ने उन ट्विंस ब्रदर को, जो कि नेचर से शरारती थे, उनको डांटा भी कि तुमने उसके ऊपर पिलो से हमला क्यों किया, अपने तकिए से क्यों मारा उसे। और वो घोस्ट पे भी, यानी भूत पे भी गुस्सा थे कि उसने वो लुब्रिकेटर यूज नहीं क्यों नहीं किया कि उसने वो लुब्रिकेटर क्यों यूज नहीं किया क्योंकि उन्हें वो लुब्रिकेटर नीचे जमीन पे पड़ा हुआ मिला था बाद में। और जो बार बार ब्लड स्ट्रेन आता जा रहा था, वो भी उस फैमिली का ध्यान हमेशा बनाए रख रहा था कि हाँ, इधर भूत की प्रेजेंस है। और जो वो खून का धब्बा था, उसके भी कलर बदलते रहते थे। बच्चों ने इसे मजाक में लेके शर्त लगानी शुरू कर दी कि आज कौन सा रंग आएगा, लाल आएगा, नीला आएगा, पीला आएगा। बस पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही था जो इस जोक में इन्वॉल्व नहीं था, जो इसे मजाक नहीं समझा था, वो थी एक छोटी सी सीधी सादी लड़की वर्जीनिया, जो कि उस खून के धब्बों को देख के काफी परेशान भी हुई थी जब उसने पहली बार देखा। फिर अगले सीन में क्या होता है कि संडे की रात को एक चोर से गिरने की आवाज आती है। ओटिस फैमिली जब जाके देखती है तो वो देखती है कि एक पुराना कवच का हिस्सा गिर गया होता है और लॉर्ड कैंटरविले घोस्ट को, यानी जो घोस्ट है, जो भूत है वहाँ का, द कैंटरविले चेस का हवेली का नाम है, वो उसको चोट लग जाती है। और जो ट्विंस ब्रदर जो कि शरारती हैं, वो अपनी खिलौने वाली गन से उस पर दो खिलौने वाली गोली मार देते हैं। इसको देखकर मिस्टर ओटिस उस पर गुस्सा करते हैं, उन दोनों की गन ले लेते हैं और भूत को अपना हाथ बढ़ाते हैं कि उठो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन भूत उसको देख के फिर गुस्सा करता है कि ये मेरे से डर क्यों नहीं रहे, और जाते जाते पास में रखे कैंडल को भी बुझा के चले जाता है, इतनी तेज से उठ के जाता है। लेकिन जो मिसेज ओटिस है, उनको इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसके चोट लग गई और उसके पास कोई दवाई भी नहीं है लगाने को, तो वो एक टिंचर की दवाई लेके जाती है उसके पास। लेकिन उसको देख के घोस्ट और गुस्सा हो जाता है और परेशान सा हो जाता है कि यार, ये लोग मेरे से डर क्यों नहीं रहे, और अपने अंदर का दुख लिए अपने कमरे में चले जाता है। फिर इसके बाद कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता क्योंकि वो जो भूत है वो बीमार पड़ जाता है। फिर 17 अगस्त को वो दोबारा प्लान बनाता है कि इस बार तो ये ओटिस फैमिली को डरा के ही रहेगा, अपना बदला लेगा। और वो एक बढ़िया से रूप में कवर करता है अपने आप को, अपना वेश ऐसा बना लेता है जो कि बहुत डरावना होता है, और ट्विंस को डराने का उसका सबसे पहला प्लान होता है। तो जैसे ही वो जाता है उसके कमरे में, तो वो कमरे में घुसते उसकी एक और भूत से मुलाकात हो जाती है, जिसको देख के वो खुद डर जाता है और डर के भाग के अपने रूम में आ जाता है और वो सोचने में पड़ जाता है और डर जाता है कौन है। फिर उसका दिमाग लगता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इससे अपना हाथ मिला लूं और हम साथ में मिलके ओटिस फैमिली को डराएं। लेकिन जब वो जाता है तो वो पाता है कि वो घोस्ट असली घोस्ट नहीं था, जो ट्विंस ब्रदर थे उसको भूत की चाल का आभास हो गया था और उन्होंने एक नकली भूत बनाया था जिससे वो डर गया था। इसके कारण घोस्ट और परेशान, दुख और बुरा फील करने लगता है और जाके अपने जो कफन है उसमें जाके लेट जाता है। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।